गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज आप एसएसटी के अंतर्गत में 15 लेसन पढ़ेंगे। 15 लेसन में आवर ऑक्यूपेशन, हमारी काम, हम किस प्रकार की काम करते हैं। जैसे हम अपना काम कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आपके पिताजी क्या काम करते हैं, अगर खेती बाड़ी है तो उसमें क्या काम किया जाता है, तो ये सब काम ऑक्यूपेशन में ही आते हैं। अब इससे पहले हमने आपको 14 लेसन के क्वेश्चन आंसर भेजे थे, वो आपने लिख लिए होंगे, और अब तो छोटे हो गए, पहले तो 13 के जब बड़े थे, क्या करें, मजबूरी में जो क्वेश्चन पूछता है उसको हमें फिर वैसे ही लिखना पड़ता है। अब छोटे छोटे हैं, ज्यादा ऐसी बात नहीं है, थोड़ी बड़ी क्लासेस में आएंगे, आप फोर्थ क्लास में जा रहे हैं तो फोर्थ क्लास में तो बड़े ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो इसलिए वो मजबूरी में मैंने लिखे थे आपको छोटे, क्योंकि उसने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब पूरा ना मिले तो आंसर नहीं बनता। तो ऐसे ही अब आप देखें ऑक्यूपेशन, इसमें थोड़ा बड़ा हो सकता है, कोशिश करेंगे हम छोटा ही बने, लेकिन अब जो जो वर्ड पूछे जा रहे हैं उस वर्ड के बारे में बताना पड़ेगा। तो ऑक्यूपेशन है क्या चीज, पहले ये देखें, वी ऑल डू वर्क टू अर्न मनी टू फुलफिल अवर डेली नीड। हमारे जीवन में रोजाना किसकी जरूरत पड़ती है, पैसे की। इस पैसे से हम अपने सामान को खरीदते हैं, अपने पेट को भरते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो ये कहां से आया, इसके लिए जानकारी लेना, तो एनी वर्क दैट हेल्प अस टू अर्न मनी इज नोन एज ऑक्यूपेशन। यानी कि कोई भी जो काम करते हैं मनी को प्राप्त करने के लिए, पैसे को प्राप्त करने के लिए, वो ही हमारा ऑक्यूपेशन कहलाता है। अब हम देखते हैं वी फॉलो डिफरेंट ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू आवर एबिलिटी एंड नीड्स। हमें जो जो कर सकते हैं, अब हमसे कहा जाए अब हल चलाइए खेतों में तो नहीं चला सकते, किसान से कहा जाए चलिए पढ़ाइए तो वो नहीं कर सकता। तो मतलब सब लोग अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं और क्रिया को करते हैं, तो वो ये है डिफरेंट हमारे ऑक्यूपेशन है, अलग अलग कार्य हैं और उसके तरीके भी अलग हैं। जिससे ऑल टाइप ऑफ वर्क आर इक्वली इंपॉर्टेंट, लेकिन सभी कार्य महत्वपूर्ण है, ऐसी बात नहीं है। अब कहते हैं सुई है, सुई का काम बटन टाँकने का है, और फावड़ा जमीन खोदने का है, तो फावड़ा जो है हमारा बटन नहीं टांग सकता, सुई हमारी गड्ढे को नहीं खोद सकती, तो वही आ गया क्वेश्चन। तो यही कोई कह रहा है कि ऑल टाइप ऑफ वर्क आर इक्वली इंपॉर्टेंट, सबका कार्य अलग अलग अपना समानता देना है। वर्क डन विद सिंसियरिटी, आप कुछ लोग सिंसियरिटी करते हैं, एंड ऑनेस्टी ईमानदारी से करते हैं। सिंसियर मीन्स आपसे बराबर कहते हैं आप सिंसियरली हो जाइए, आप अपनी पढ़ाई को ध्यान दीजिए, बस आप ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको क्वेश्चन मिल गए आप क्वेश्चन देखिए पढ़िए किताबों में से, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप दूर करें, तो ऑफलाइन जैसी पढ़ाई ही आपको मिल रही है, फिर आप सिंसियर की लाइन, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी, तो वही क्वेश्चन आ गया, सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी इज द करेक्ट वे टू अर्न मनी, इससे हम अपने पैसे को प्राप्त कर सकते हैं। सम पीपल वर्क इन ऑफिस, अब देखो कुछ लोग ऑफिस में काम करते, सम वर्क इन डॉक्टर, किसी का काम डॉक्टरी है, इंजीनियर है, नर्स है, टीचर्स है, एंड लॉयर, लॉयर भी वकील भी आते हैं इसी में। तो सम पीपल हैव देयर ओन बिजनेस, और कुछ लोग अपना व्यापार भी करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, पहले आया हमारा फार्मिंग, फार्मिंग क्या है, खेती बाड़ी किसानी। तो देखो इन अवर कंट्री, हमारा देश कहते कृषि प्रधान देश है, यानी कि सबसे ज्यादा हमारे यहां खेती बाड़ी ही होती है, 80%
आप सोचिए 80% 100 में 80 आदमी खेती बाड़ी करते, 20% काम करते हैं औरतें। तो ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेज, गांव में रहते हैं बहुत सारे लोग, बहुत सी मात्रा में। देयर मेन ऑक्यूपेशन इज फार्मिंग, उनका काम क्या है, केवल फार्मिंग का ही है, खेती बाड़ी करना। द फार्मर्स ग्रो मेनी टाइप ऑफ क्रॉप्स सच एज फूड ग्रेन पल्स शुगर केन ऑयल सीड टी स्पाइसेस वेजिटेबल एंड फ्रूट कॉटन एंड जूट। तो क्या क्या हुआ भोजन में आए, तो ग्रेन अनाज गेहूं है, ये ग्रेन्स में आता है, पल्स दालें हैं, शुगर केन गन्ना जिससे हम चीनी जैगरी तैयार करते, गुड़, ऑयल सीड सरसों ऑयल में आ गई, टी चाय, स्पाइसेस मसाले, वेजिटेबल सब्जियां, फ्रूट फल, कॉटन रुई एंड जूट, हमारे जो बोरे उड़े गनी बैग वगैरह बनाए जाते हैं वो। तो फार्मिंग इज डन एट प्लेसेस विद ए फर्टाइल सॉइल, यहां पर क्या है मिट्टी बहुत उपजाऊ है, एंड वाटर रिसोर्सेस लाइक, अगर पानी की आवश्यकता पड़ती है तो ये पानी कहां से लाते हैं, वेल पहले तो कुएं चलते थे, टैंक्स तालाब कैनाल नहरें एंड रिवर्स और नदियां, लेकिन सबसे मोस्ट वाटर है रेन वाटर। रेन इज द नेचुरली सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ, प्रकृति पर वर्षा का जो पानी ऊपर से आता है बादलों के द्वारा वो ही सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग, अब खेती बाड़ी हो जाने के बाद, द क्रॉप आर क्लियर, फसल को बिल्कुल साफ कर देते हैं, फिर दूसरी फसल को बोते हैं, फिर वो हमें कहां लेके आते हैं फसल को, मार्केट में लेके आते हैं, सेल टू द मार्केट फॉर सेल, बाजार में बेचने के लिए, बाय सेलिंग देयर क्रॉप इन द मार्केट, अब सेलिंग कर दी हमने बाजार में, तो द फार्मर अर्न मनी फॉर देयर लिविंग, तो किसान उस पैसे से ले जाकर अपना जीवन यापन करता है। अब आता है कैटल रियरिंग, अब कुछ लोग जानवर पालते हैं, आपने देखा होगा दूध लेने जाते हैं तो दूध वाली डेरियां कितनी भैंसे बनी होती हैं, गांव वाले दूध लेकर आते हैं गाड़ी पर तो वो दूधिया बन जाती है, तो इनका भी ऑक्यूपेशन है। तो कैटल रियरिंग में जानवरों को पालते हैं, तो कैटल मीन्स काउ, चौपाई, कैटल का हिंदी शब्द है चौपाई, चार पैर वाले जानवर जिसमें काउ बुल्स एंड बफेलो, ये जो गाय पाली जाती है भैंसे पाली जाती है। फार्मर्स कीप एनिमल सच एज कैटल, अब खेती बाड़ी करने के लिए कुछ चौपाई है पाले हैं, कैमल्स हैं, गोट है, सीप ऑन देयर फार्म, आपने देखा बकरी पाली जाती, भेड़ भी पाली जाती है, किसके लिए पाली गई, फॉर मिल्क के लिए, दूध के लिए, सम ऑफ दीज एनिमल प्रोवाइड अस मिल्क, अब कुछ जानवर उसमें दूध देते हैं। द रियरिंग ऑफ एनिमल आर प्रोड्यूसिंग मिल्क इज कॉल्ड डेयरी फार्मिंग, आ गया, अब जो दूध देने वाले जानवर है उससे हुआ है डेयरी फार्मिंग, यानी कि दूध का काम चलाते हैं। अब बुलक का काम क्या है, खेती बाड़ी करना, वजन को ले जाना, गाड़ी ढोना, तो बुलक आर यूज टू प्लग द फील्ड, यानी खेतों को जोतता है, एंड ड्रॉ कार्ट्स गाड़ी को खींचता है, गॉट एंड सीप का है, दूध भी देती है गॉट, लेकिन मीट भी आती है, तो गॉट एंड सीप प्रोवाइड अस मीट, मतलब मांस, सीप आल्सो गिव अस वूल, सीप हमें ऊन देती है जो स्वेटर हम लोग पहनते हैं, द क्लॉथ्स मेड ऑफ वूल कीप अस वार्म एंड विंटर, ये वूल जो रुई ऊन हमें जो मिलती है तो सर्दियों में उसके हम कपड़े बनाते हैं और सर्दियों से बचने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सभी कहां से आया, जानवर से। पोल्ट्री फार्मिंग, अब जैसे देखो मुर्गी पालन केंद्र होता है तो अंडे आते बाजार में, अंडे बचते हैं, तो वही है पोल्ट्री फार्मिंग इज आल्सो फार्मिंग डिपेंडेंट ऑक्यूपेशन, ये भी हमारे ऑक्यूपेशन है। पोल्ट्री बर्ड्स लाइक है जैसे हेन है, चिकेन्स है, डक एंड टर्कीज प्रोवाइड एग एंड मीट भी देते हैं। तीसरा है हमारा
ऑक्यूपेशन रिलेटेड टू फार्म। अब जो ऑक्यूपेशन हमारे संबंध रखते हैं फार्मिंग से वो क्या क्या करते हैं, देखो मेनी ऑक्यूपेशन डिपेंड ऑन प्रोडक्ट ऑफ फार्मिंग। पीपल वर्किंग इन टेक्सटाइल मिल्स, अब टेक्सटाइल मिल भी काम करते हैं, जैसे कॉटन गया तो कॉटन से हमारा कपड़ा तैयार हुआ धागा बन के, प्रोड्यूस क्लॉथ फ्रॉम कॉटन देखो आ गया। फर्स्ट कॉटन इज स्पन इनटू यार्न, सबसे पहले कॉटन जाता उसका धागा तैयार करते हैं, एंड देन द यार्न इज वोवन टू मेक क्लॉथ, फिर वो धागे से कपड़े को बनाने का काम किया जाता। सम पीपल ग्रो जूट फ्रॉम जूट, अब देखो कुछ करते हैं, दे मेक गनी बैग एंड रोप, जिससे हम बोरे बनाते हैं, रस्सियां बनाते हैं, फॉर पैकिंग वेरियस गुड, जिसमें बहुत सारे सामान को इकट्ठा करके बांध के रखा जाता है। सुगर कैन, अब सुगर कैन आ गया गन्ना, गन्ने का यूज क्या होता है, सुगर कैन इज यूज टू मेक जैगरी एंड सुगर, चीनी बनाने में या गुड़ बनाने के काम में लाया जाता है। बी गेट कुकिंग ऑयल, अब कुकिंग ऑयल भी है, जैसे कि सरसों का तेल है, मस्टर्ड ऑयल इसको कहते हैं, फ्रॉम ग्राउंडनट, अब देखो ग्राउंडनट मूंगफली, मूंगफली का तेल भी आता, कोकोनट नारियल का तेल, सोयाबीन एंड मस्टर्ड, ये हमारे क्या है सभी कुकिंग ऑयल सीड बोले जाते हैं। इन टी गार्डन, अब चाय के बागान है जिसकी चाय हम लोग पीते हैं रोज सुबह सुबह, पीपल पिक अप टी लीव्स, लोग क्या करते हैं पत्ती तोड़ते हैं उसको फैक्ट्री में जाके उसकी चाय तैयार कराते हैं, सेंड देम फॉर प्रोसेसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, फिर इससे हम चाय तैयार करते हैं। तो ये आधा लेसन हो गया, कल इसके आगे का जैसे फॉरेस्ट्री है, मीनिंग है, अभी हमारे जमीन से निकलने वाली ऑयल है, वो चीज के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन वो कल ही हम इसके लेसन को भेज सकते हैं, लेकिन आप निरंतर पढ़ते रहें तभी कामयाब हो सकते हैं। आप जो सोचिए हम ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो और उसी तरह से पढ़ाई करो, कभी भी होपलेस मत हो रहा है चलने दो, हम पढ़ाई करेंगे, हम कोशिश करेंगे।